हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने मैथ्स में क्या पढ़ा था? टेबल ऑफ टू। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे टेबल ऑफ थ्री के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समय का यूज करना है, जो कि आप लोग इस लॉकडाउन में आप लोग घर में कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से टेस्ट के लिए भी तैयार होना है, तो कई बार आप लोग प्रैक्टिस करना, समय का यूज करना, जो भी आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टेबल ऑफ थ्री। आपको मैथ्स की कॉपी में ही आज की डेट लगानी है, 23/5/2020। आपने जैसे लिखा था लास्ट क्लास में टेबल ऑफ टू, आज का लिखना है आपको टेबल ऑफ थ्री। आपको यहां पर लाइन गैप नहीं करनी है, ना ही साइड बाय साइड आपको बॉक्सेस लीव करनी है। कंटिन्यूअस आप लिखते रहिएगा नीचे तक। ठीक है, एक एक बॉक्स में आपको लिखना है, एक भी बॉक्स आपको लीव नहीं करनी, एक भी बॉक्स आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लिखी हूं, एक बार मैं उसको पढ़ दे रही हूं, आप मेरे साथ साथ पढ़ो, फिर आपको लिखना है जैसे मैं लिखी हूं, बिल्कुल वैसे ही, जस्ट लाइक ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे अच्छे तरह से पढ़ो। टेबल ऑफ थ्री क्या है? टेबल ऑफ थ्री, टेबल मतलब मैं लास्ट टाइम में बताई थी, टेबल का मतलब होता है पहाड़ा, ऑफ का, थ्री मतलब तीन, यानी कि तीन का पहाड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंग्लिश में है टेबल ऑफ थ्री, यहाँ पर है 3 1 जा 3, क्या है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये 3 तक आपको लिखनी है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 का टेबल पढ़ रहे हो, इसलिए क्या ये 3 है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ साथ इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आपके लिए एक बार मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ, आप मेरे साथ साथ उसको रिपीट करो। ठीक है, टेबल ऑफ थ्री, बोलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, टेबल ऑफ थ्री, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30। तो इसको अच्छी तरह से कई बार बोलना है, कई बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जैसे आपको एक मैं एग्जांपल बता दे रही हूँ, पिछली बार आपको मैं बताई थी 2 के केस में, आज 3 के केस में बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। 30 तक का है तो 30 तक लिखना है आपको। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30। ठीक है, तो आपने कहाँ तक लिखा है? 30 तक लिखा है, 3 का टेबल है, तो 1 2 1 2 छोड़ के 3, 1 2 छोड़ करके 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 थर्ड नंबर को आपको सर्कल करना है, 1 2 छोड़ो, थर्ड नंबर को सर्कल करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अब यू नो 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि दूसरे नंबर पर सर्कल है, थर्ड नंबर सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो ये आपको सिखाने के लिए है,
जो टेबल यहाँ पर है कैसे ये आता है लिखा जाता है वो चीज मैं यहाँ समझाई हूँ, लेकिन आपको लिखना क्या है टेबल ऑफ थ्री, ठीक है। तो आज आपके क्या है होमवर्क, टेबल ऑफ थ्री। तो आप अच्छे से होमवर्क में क्या लिखना है, टेबल ऑफ थ्री, डेट लगानी है अच्छे से होमवर्क के लिए, 5/20/20 नीचे लिखनी है, TABLE टेबल ऑफ थ्री। अगर नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि टेबल ऑफ थ्री आप लोग पढ़ रहे हो कि टू पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हेडिंग भी आपको साथ साथ लगानी है, बिना हेडिंग के कोई भी टेबल ऐसे आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो बच्चे आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है, टेबल ऑफ टू का भी कई बार प्रैक्टिस करना है और टेबल ऑफ थ्री का भी, कम से कम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, टाइम का यूज करना है ना, तो अच्छे से टाइम का आप लोग यूज करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय बाय।